आपका क्या रिएक्शन होगा अगर मैं आपको बोलूं कि मैनचेस्टर सिटी को हराने के लिए पीएसजी ने इस मैच में नेमार के साथ एम्बापे को नहीं बल्कि मोरो इकार्डी को स्टार्टिंग 11 में जगह दी है? ड्रगी 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 अरे क्या ड्रगी लेवेंडोव्स्की गोज फॉर द गोल एंड देन रोनाल्डो मेसी How's it going guys? It's Divyansh. Welcome back to another video. और इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे और रिव्यू करेंगे मैनचेस्टर सिटी वर्सेस पीएसजी यूएफए चैंपियंस लीग सेमीफाइनल का सेकेंड लेग जो कि आज हो चुका है मैनचेस्टर सिटी के होम में यानी कि एतिहाद स्टेडियम में। इस मैच को एनालाइज करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि एक्चुअली इस मैच को स्टार्ट होने से पहले क्या हो चुका है। तो पिछले हफ्ते दोनों टीमों के बीच फर्स्ट लेग हो चुका था जो कि पेरिस सेंट जर्मेन के होम में था यानी पार्क द प्रिंस स्टेडियम में था, जहाँ पे मैनचेस्टर सिटी ने अवे फ्रॉम होम पीएसजी को 2-1 की लीड से हरा दिया है। यानी कि इस सेकेंड लेग को स्टार्ट होने से पहले मैनचेस्टर सिटी के पास 1 गोल की लीड और 2 अवे गोल्स हैं। और आपको पता है कि ये जो यूएफए चैंपियंस लीग के नॉकआउट स्टेजेस में जो अवे गोल्स हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर आपको मैं फर्स्ट लेग के बहुत ब्रीफ में उसके हाईलाइट्स की बात बताऊँ तो उस मैच में 14th मिनट में मार्किनियोस ने गोल मार के सबसे पहले पीएसजी को लीड दी थी। उसके बाद काफ़ी पिंग पोंग की तरह गेम चला, लेकिन सेकेंड हाफ में मैनचेस्टर सिटी बिल्कुल अलग रूप में थी, जहाँ पे उन्होंने विद इन अ स्पेस ऑफ 10 to 15 मिनट्स उन्होंने 2 गोल स्कोर करके जो स्कोर लाइन थी उसको 2-1 से अपने फेवर में कर लिया था। और उसके बाद हमने देखा कि अराउंड 70th मिनट में इद्रिसा गाया ने एक बहुत ही रिडिकुलस और काफ़ी डेंजरस चैलेंज के लिए रेड कार्ड लिया और इसी के साथ पीएसजी फर्स्ट लेग में 10 मैन के साथ अराउंड 20 मिनट तक खेली। फिर बात करते हैं दोनों टीम्स की फॉर्मेशन की। सबसे पहले बात करते हैं मैनचेस्टर सिटी की, तो ऑन पेपर जो फॉर्मेशन थी वो तो 4-4-2 यानी कि एडरसन थे गोलकीपर, काइल वॉकर, जॉनस्टोन, रूबन दियाज और जिनचेंको कॉन्स्टिट्यूट्स द बैक लाइन। अब यहाँ पे यार एक सरप्राइज एलिमेंट था, बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और पर्सनली मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्योंकि काइल वॉकर राइट बैक की पोजीशन पे रहेंगे तो जाओ कैंसेलो लेफ्ट बैक की पोजीशन को कवर करेंगे, लेकिन हमने पीएसजी का जो फर्स्ट पीएसजी के साथ जो मैनचेस्टर सिटी का फर्स्ट लेग हुआ था उसमें देखा था जो जाओ कैंसेलो की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। अगर उनकी जनरल परफॉर्मेंस देखे इस पूरे सीज़न की तो इसलिए मेरे ख्याल से पेप गार्डियोला ने कोई चांस नहीं लिया। और जो ट्रेडिशनल लेफ्ट बैक है मैनचेस्टर सिटी के अपार्ट फ्रॉम बेंजामिन मेंडी और जिनचेंको उनको जगह दी। बात करें अगर मिडफील्ड की तो उसमें रियाद मारेज, फर्नांडिनो थे, गुंदगान थे और फिल फोर्डन थे। रियाद मारेज, गुंदगान, फिल फोर्डन की जगह पक्की थी। यहाँ पर एक और ओमिशन और एक और एडिट हुआ है, वो है रोड्री बाहर गए और उनकी जगह फर्नांडिनो को जगह दी है। अगर ऑब्वियसली फर्नांडिनो को जगह इसलिए दिया, एक तो 36 ईयर्स ओल्ड है तो ऑब्वियसली उनको फिजिकल एट्रीब्यूट्स की वजह से तो जगह नहीं मिली है, बट क्योंकि उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अहम है और आज मैनचेस्टर सिटी को एक कैरेक्टर शो करना था क्योंकि उनको अपना बेस्ट तो देना ही था लेकिन उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होना था अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड जो कि लास्ट ईयर के चैंपियंस लीग के फाइनल्स में जा चुकी है। तो उनको पता है कि कमबैक कैसे लाना है, तो कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला ने एक अच्छा डिसीजन लिया कि एक लीडर को उन्होंने फील्ड पर उतारा। और बात करें अगर स्ट्राइकर्स की तो दे वर लाइक वेरिएशन स्ट्राइकर थे, यहाँ पर ऑन पेपर इट वॉज केविन डी ब्रुइने और बर्नार्डो सिल्वा, बट आपको पता है मैनचेस्टर सिटी में कोई ट्रेडिशनल स्ट्राइकर नहीं है तो उनके पास कभी फिल फोर्डन, कभी रियाद मारेज, कभी केविन डी ब्रुइने तो कभी बर्नार्डो सिल्वा, ये चारों एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं। बात करें अगर पीएसजी की तो पीएसजी ने फॉर्मेशन जो मॉरिसियो पोचेटिनो ने जो अडॉप्ट करी थी फॉर्मेशन वो ऑन पेपर 4-4-3-3 फॉर्मेशन थे, लेकिन ऑन द फील्ड इन गेम फॉर्मेशन थी वो थी 4-2-3-1। अगर बात करें गोलकीपर की तो वो थे केल और नावास, अगर डिफेंस लाइन की बात करें तो वो थे दियालो, किमपेम्पे, मार्किनियोस और फ्लोरेंजी, अगर बात करें मिडफील्ड की तो वो थे मार्को वेराटी, पेरेदेस, आंद्रे हरेरा। आंद्रे हरेरा को इसलिए जगह दी गई क्योंकि इद्रिसा गाया को फर्स्ट लेग में रेड कार्ड मिल गया था तो वो इस गेम में नहीं खेल सकते थे। और बात करें थ्री फॉरवर्ड्स की तो वो थे नेमार, मोरो इकार्डी और एंजेल डी मारिया। अब यार यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये एक्सपेक्टेड था और प्रेडिक्शंस में जब रिपोर्ट्स आ रही थी तो उसमें बताया गया था कि एम्बापे को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि वो इसमें खेल सकते हैं, बट एंड मोमेंट पे एम्बापे को साइडलाइन कर देगा। वो हालांकि सब्स्टिट्यूशन में थे लेकिन हमने पूरे मैच में देखा कि एम्बापे नहीं आए, जबकि पीएसजी को बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एम्बापे की और उनके जगह मोरो इकार्डी को डाला गया स्टार्टिंग 11 में। अब यार बात करते हैं जब मैच स्टार्ट होता है तो अगर दोनों टीम्स की स्ट्रैटेजी और मेंटालिटी की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है क्योंकि क्यों आज एम्बापे नहीं है लेकिन नेमार कहीं ना कहीं अभी भी उनको एक्सपोज कर सकते हैं। और हमने फर्स्ट लेग में देखा था कि डी मरिया भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग लग रहे थे बट एम्बापे नहीं थे, तो कहीं ना कहीं अगर पीएसजी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो थ्रू बॉल तो नहीं होने वाली
और कहीं ना कहीं पीएसजी चाहेगी तो पीएसजी चाहेगी कि वो मैनचेस्टर सिटी को उनके हाफ में स्क्वीज करे, क्योंकि अब काउंटर अटैक करने कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपके पास वो पेसी स्ट्राइकर है ही नहीं। कहाँ अगर हम एम्बापे की पेस जो लाइट की स्पीड से भागता है, और कहाँ हम अगर मौरो इकार्डी की पेस को, नो ऑफेंस टू मौरो इकार्डी, लेकिन अगर मैं आपको फीफा के रेफरेंस में अगर दोनों की पेस को बताऊँ तो एम्बापे की पेस अराउंड 96 मान लो 100 में से, और मौरो इकार्डी की पेस आप अराउंड 72 मान लो। तो इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि काउंटर अटैक करने कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेमार अगर बॉल बनाएंगे या फिर पीएसजी अगर अटैक क्रिएट करेगी या थ्रू बॉल किसी को देगी तो मौरो इकार्डी उस टाइप के स्ट्राइकर है ही नहीं कि वो एम्बापे की तरह उसको रिसीव करें और एक अच्छा खासा रन बनाए, या फिर दो या तीन डिफेंडर को अपने ब्रिलियंस के तौर पर डिफेंडर्स को बीट करके फिर गोल मार के आए। हमने पहले गेम के हाईलाइट की बात करें तो पहले 5 मिनट में ही जो रेफरी थे उन्होंने पीएसजी को एक पेनल्टी दे दी थी, एलिस्ट किया जाता था जो जिनचेंको थे उन्होंने हैंड करा था, बहुत जल्दी इसको ओवरटर्न कर दिया गया। जब वीएआर ने इसको रिव्यू करा तो वो एक्चुअली जिनचेंको के यहाँ पे लगा, लेकिन हमने कैमरे पे देखा कि जिनचेंको जो असिस्टेंट रेफरी थे उनको गाली दे रहे थे और उन पर थूक रहे थे, बच गए। बट ऐसे पे रेड कार्ड या फिर एटलीस्ट येलो कार्ड दे दिया जाता है, बट यहाँ पे मैं कहूँगा कि वो लकी थे जो पकड़े नहीं गए। उसके बाद की बात करें तो पहले 10 या 20 मिनट की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी पूरे मैच क्लासी थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फिर वही गलती कर दी जो उन्होंने फर्स्ट लेग में करी थी। यहाँ पर वो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिवली हो गए थे, उनका जो स्ट्रेटजी थी वो कहीं ना कहीं अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी। हमने पहले 10-20 मिनट में देखा कि पीएसजी मैनचेस्टर सिटी को स्क्वीज़ करना चाह रही है और विदाउट पोजीशन रख पा रही है, क्योंकि पीएसजी को यही चाहिए था कि मैनचेस्टर सिटी पोजीशन ना रख पाए, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैनचेस्टर सिटी का गेम स्टाइल देखे तो वो काउंटर अटैक में बिलीव करते हैं, लेकिन उनकी जो पोजीशन स्टाइल अटैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी और काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग है। यहाँ तक कि अगर हम पीएसजी के अगर हम जो मैनचेस्टर सिटी का फर्स्ट लेग देखें पीएसजी के साथ, उसमें भी जो पोजीशन के साथ मैनचेस्टर सिटी ने थ्रेट कैरी करा था वो काफ़ी ज़्यादा थ्रेटनिंग था। इसीलिए पीएसजी चाहती थी कि वो मैनचेस्टर सिटी को बिना बॉल के ज़्यादा रखे, जिससे बॉल पीएसजी के पास ज़्यादा रहे और अटैक्स पीएसजी बनाए, और कहीं ना कहीं यही हमने पहले 10 या 20 मिनट में देखा था कि मैनचेस्टर सिटी विदाउट पोजीशन थी और वो अपने हाफ में सिट डीप कर रही थी, और इसी का रीज़न था कि जैसे मैंने आपको बताया पहले 5 या 6 मिनट में उनको पेनल्टी दे दी गई थी जो रिवोक कर दी गई, ये प्रेशर का ही कारण था। उसके बाद हमने देखा कि मार्किन्योस का हेडर आता है, लेकिन फिर वही करा जो गलत, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी अपने हाफ में काफ़ी ज़्यादा डीप सेट कर रही थी। अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले, मैनचेस्टर सिटी ने 11वें मिनट में गोल स्कोर कर दिया एंड इट वॉज थ्रू द काउंटर अटैक। यहाँ पे गोल स्कोर किया था रियाद महरेज ने। अब अगर मैं आपको गोल को एक्सप्लेन करूँ तो इट वॉज एक्चुअली पीएसजी मैनचेस्टर सिटी को प्रेस कर रही थी, मैनचेस्टर सिटी के पास पोजिशन थी, उन्होंने गोल कीपर को पास करा एंड आउट ऑफ नो वेयर, मेरे को नहीं पता एडरसन ने वो जिनचेंको का जो ओवरलैप रन था एज ए लेफ्ट बैक का रन कैसे देखा, उन्होंने एक थ्रू बॉल डाला जो कि सीधा जो पीएसजी की बैक लाइन थी उसके पीछे गया एंड इट वाज अ परफेक्ट थ्रू बॉल। जिनचेंको का रन इतना था क्योंकि मैंने आपको बताया मैनचेस्टर सिटी अपने हाफ में सिट डीप करी थी, तो पीएसजी की जो डिफेंसिव लाइन थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी, आप अप्रॉक्सी मान लो अगर हाफ लाइन के आसपास ही थी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ईजिली उनके पीछे से लाइन जो एडरसन की किक थी वो उसके पीछे आराम से ड्रॉप हो चुकी। जिनचेंको के पास विंग्स पे बॉल थी, उन्होंने केविन डिब्रॉयन को पास करी, केविन डिब्रॉयन ने आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एक शूट लिया जो डिफ्लेक्ट होकर रियाद महरेज के पास जाया, और रियाद महरेज ने आई थिंक केलो नावास को नटमेक करके इस मैच का पहला गोल स्कोर कर दिया, और कहीं ना कहीं इसी के साथ ये पक्का हो रहा था कि अब मैनचेस्टर सिटी की जो पकड़ है और जो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है पीएसजी का वो कहीं ना कहीं अब लड़खड़ा आ जाएगा। एक तो यार वैसे ही मेरे को पहले 10-15-20 मिनट में ही पता चल गया था कि बिना एम्बापे की जो एब्सेंस है वो कितना ज़्यादा अफेक्ट कर रही है पीएसजी की परफॉर्मेंस को, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं आपको जैसे मैंने आपको 2-3 मैचेस में पीएसजी के मैचेस के रिव्यूज़ में मैंने आपको बताया है कि मॉरिशियो पोचेटिनो का जो स्ट्रेटजी होती है और जो गेम स्टाइल होता है वो कहीं ना कहीं एम्बापे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि उनका स्टाइल होता है काउंटर अटैक करना और एम्बापे की स्पीड उनको कहीं ना कहीं उस प्ले स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करता है, और ऑब्वियसली अब उन्होंने मौरो इकार्डी को जगह दी है, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा था। अगर बात करें मौरो इकार्डी का तो पीएसजी उनके हिसाब से खेलना ट्राई कर रही थी, क्योंकि मौरो इकार्डी पेसी तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसलिए पीएसजी चाहती थी कि वो मैनचेस्टर सिटी को उसके हाफ में स्क्वीज कर पाएं, जिससे मौरो इकार्डी, नेमार, एंजेल डी मरिया, वेराटी ये सारे के सारे बॉक्स में हो और मौरो इकार्डी की शूटिंग वो हेडिंग कैपेबिलिटीज़ को थोड़ा ज़्यादा और
यूज किया जाए, बट मैनचेस्टर सिटी इसे बहुत जल्दी भाप गई थी। इसलिए हमने जब देखा कि पहला गोल स्कोर किया, तो उसके बाद पेप गार्डियोला ने साइडलाइन से ये इंस्ट्रक्शन दी अपनी टीम को कि वो वही जो चीज उन्होंने फर्स्ट लेग के सेकेंड हाफ में करी थी, जहां मैंने आपको बताया था कि उन्होंने भी हाई डिफेंसिव लाइन रखनी स्टार्ट कर दी, वही पेप गार्डियोला ने 20 मिनट के अंदर अपनी टीम को साइडलाइन से इंस्ट्रक्शन दिए, और इसी के साथ अब मैनचेस्टर सिटी ने जो अपनी गलती शुरुआत में करी थी वो सुधार दी थी। और हमने देखा कि फर्स्ट हाफ में पहला गोल स्कोर करने के बाद कई कुछ सेक्शंस ऐसे थे जहां पे पीएसजी एक्चुअली में थ्रेटनिंग लग रही थी, या मैं कहूंगा कि पहला गोल स्कोर करने के बाद फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा टाइम ऐसा था कि अगर थ्रेटनिंग की बात करें तो पीएसजी थ्रेटनिंग ज़्यादा लग रही थी, लेकिन अगर पोजेशन की बात करें और डिसिप्लिन की बात करें तो कहीं ना कहीं मैनचेस्टर सिटी ने पीएसजी को फर्स्ट हाफ में आउटक्लास कर दिया। बट ओवरऑल अगर फर्स्ट गोल को हटा के देखें तो जो पहला हाफ था वो कहीं ना कहीं इट वॉज न्यूट्रल, बट जैसा कि मैनचेस्टर सिटी के पास एक तो दो अवे गोल्स है और एक गोल की लीड है, तो कहीं ना कहीं पीएसजी को ये गेम न्यूट्रल नहीं चाहिए, पीएसजी को ये गेम अपने फेवर में चाहिए। अब यार फर्स्ट हाफ खत्म होता है और सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, सेकंड हाफ स्टार्ट होने से पहले यार मेरे को काफ़ी लग रहा था कि मेरे ख्याल से सेकंड हाफ के स्टार्ट होने में ही मौरो इकार्डी को सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए और उनकी जगह मॉइस की नजर दी है। एट द फर्स्ट इंस्टेंस जब मैंने दोनों टीमों की लाइनअप देखी थी तो मेरे को ये लग ही रहा था कि मौरो इकार्डी की जगह अगर बोरुसिया पोचेटिनो मॉइस किन को इंप्लीमेंट करते उस सिस्टम में, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है जो नेमार, एम्बापे और मॉइस किन या फिर एंजेल डी मारिया, इनकी केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी है अगर इन कंपैरिजन देखें कि मौरो इकार्डी को उसमें पुट कर दिया। लेकिन सेकेंड हाफ की स्टार्टिंग में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ पीएसजी की तरफ से, और हमने देखा कि सेकेंड हाफ जैसे स्टार्ट हो उसके 10 मिनट तक अगेन पीएसजी का जो अप्रोच था वो काफ़ी पेशेंटली वेट करना था। मेरे ख्याल से मॉरिशियो पोचेटिनो ने अभी भी जो टीम टॉक हुई थी जो ब्रेक में उन्होंने अपनी टीम से बात करा था उसमें कहीं भी उनको अर्जेंसी के लिए नहीं कहा था। मैं काफ़ी शौक था क्योंकि अगर मैं आपको दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस की बात बताऊं तो मैनचेस्टर सिटी की ऐसी परफॉर्मेंस थी, मेरे को लगता कि वो ऐसे एक या दो ऐसे तुक्के में उनको मौका देने वाले पीएसजी को कि ठीक है भाई ये लो हमने गलती कर दी और तुम इसको कैपिटलाइज कर लो, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये काफ़ी गलत अप्रोच थी पीएसजी की तरफ से। आप हार रहे हो, आप एक तो अवे गोल चाहिए आपको, आप ऊपर से सामने वाली टीम के पास दो अवे गोल्स है, वो लीड में है, वो अच्छा खेल रही हैं आपसे और आप अभी भी मौके का ही वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो अर्जेंसी नहीं दिखी थी कि हमें पोजीशन छीनते हैं और उसके बाद अटैक करते हैं, वो नहीं था। हमने देखा कि ये अर्जेंसी तब आई अराउंड 55 और 60th मिनट में जब नेमार ऑल ओवर द फील्ड भाग रहे थे। कहीं ना कहीं मैं अगर पीएसजी की तरफ से बेस्ट प्लेयर कहूँगा तो वो ऑब्वियसली नेमार होने वाले, बिना एम्बाप्पे के यार नेमार ने जो हो सकता था वो करा। नेमार अराउंड 55-60th मिनट से नेमार ऑल ओवर द पिच भाग रहे थे बॉल रिसीव करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, बट ऑफकोर्स मौरो इकार्डी की पोजिशनिंग पुअर, मौरो इकार्डी की रन पुअर, मौरो इकार्डी का पास, मौरो इकार्डी की करेक्टिविटी, ऐसा लग रहा था कि 60 मिनट तक पीएसजी 10 प्लेयर्स के साथ खेल रही है। एंड फाइनली 60th मिनट में पीएसजी ने दो सब्स्टिट्यूशन करे जहाँ पर आंद्रे हरेरा बाहर जाते हैं और उनकी जगह ड्रेक्सलर आते हैं अटैकिंग, ये एक अटैकिंग इंटेंशन के साथ किया गया था, और मौरो इकार्डी फाइनली बाहर जाते हैं और उनकी जगह मॉइस किन आते हैं। बहुत बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, बट ठीक है अभी भी पीएसजी के पास आधा घंटा है, उनको कम से कम दो या तीन गोल्स, मेरे ख्याल से दो गोल स्कोर करने हैं। अगर बात करें नेक्स्ट हाईलाइट की तो वो ऑब्वियसली अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले फिर से मैनचेस्टर सिटी ने गोल स्कोर कर दिया, और इस बार फिर से सेम मारेज ने काइंड ऑफ सिमिलर पोजीशन से ही गोल स्कोर किया। अगर आपको गोल एक्सप्लेन करूँ तो वो गोल कुछ ऐसा था कि फिर से मैनचेस्टर सिटी अपने हाफ में थी, इट वाज अगेंस्ट द रन ऑफ प्ले पीएसजी, क्योंकि अब अर्जेंसी थी गोल स्कोर करने के लिए, तो जो पीएसजी की जो डिफेंसिव लाइन थी वो ऑलमोस्ट हाफ लाइन पे थी। फिल फोर्डन, केविन डिब्रोइन, रियत मारेज, इनका जो 1-2 पास हुआ, केविन डिब्रोइन ने आउटसाइड ऑफ द बॉक्स एक अच्छा पास डाला विंग्स पर फिल फोर्डन ने वहाँ से ऑलरेडी देख लिया था कि रियत मारेज बिल्कुल खाली है दूसरी साइड पे, और वहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टैप इन रियत मारेज ने करा, और इसी के साथ स्कोर लाइन की बात करें तो वो 2-0 से मैनचेस्टर सिटी के पक्ष में था, और इससे साफ जाहिर हो गया था कि फाइनली मैनचेस्टर सिटी आफ्टर 55 लॉन्ग ईयर्स मैनचेस्टर सिटी चैंपियंस लीग के फाइनल में एंटर कर रही है, और पेप गार्डियोला अपनी टीम को फाइनली चैंपियंस लीग के फाइनल में जाके देख सकते हैं आफ्टर 2011 जो उन्होंने बार्सिलोना के साथ जीता था। कहीं ना कहीं इसके बाद ना इस गेम में कोई गोल स्कोर नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद इस गेम में सिर्फ बवाल हुआ है, आप टाई हार चुके हैं। लाइक इस मोमेंट पे हमें लग रहा था कि देयर इज नो वे कि मैनचेस्टर सिटी अब ये टाई हारने वाली है, और पीएसजी की तरफ से ऐसा कोई थ्रेटनिंग लग भी नहीं रहा था, इट वाज ओनली नेमार हु वाज क्रिएटिंग इट। बट हमने देखा बॉल आउट ऑफ द प्ले जाती है बाहर से थ्रो इन के लिए, वहाँ पर इन दोनों फर्नांडिनियो और एंजेल डी मारिया के बीच थोड़ी सी नोकझोंक होती है, और आउट ऑफ नोवेयर एंजेल डी मारिया ने फर्नांडिनियो किक कर दिया और स्ट्रेट अवे रेड कार्ड ले लिया। उसके बाद हमने देखा कि मॉरिशियो पोचेटिनो ग्राउंड पे आते हैं,
सब प्लेयर्स को करते हैं, लड़ाई होती है जो ऑब्वियसली इन दो टीम्स में, जो ऑब्वियसली किसी भी दो टीम्स में ऐसे स्टेज पे होगी, लेकिन इट वॉज टोटली अननेसेसरी चैलेंज फ्रॉम एंजेल डी मरिया। कहीं ना कहीं उसके बाद हमने देखा जब गेम स्टार्ट होता है तो फिर वेराटी चाहे वो डेनिलो परेरा हो, सारे के सारे रेकलेस चैलेंज कर रहे हो। कहीं ना कहीं कमेंटेटर्स भी ये कह रहे थे कि ये मैच अब इसलिए कहीं ना कहीं रेफरी इस मैच को एडिट टाइम्स में नहीं ले जाएंगे, कोई एडिट टाइम्स ले जाएंगे जस्ट बिकॉज कि मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर इंजर्ड ना हो। हमने देखा कि स्ट्रेट अवे येलो कार्ड ले रहे हैं डेनिलो परेरा, येलो कार्ड ले रहे हैं वेराटी, येलो कार्ड ले रहे हैं। मेरे को ये लग रहा है कि ये वो टीम है जो हार रही है जो लास्ट ईयर के चैंपियंस लीग के फाइनल में थी। अगर आप हार भी रहे हो, हारी तो लिवरपूल भी है, हारी तो जुवेंटस भी है, लूज विद डिग्निटी। आप टोटली आउट क्लास हो चुके हैं मैनचेस्टर सिटी से, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो इरिटेशन है, आप कहीं ना कहीं प्लेयर्स को इंजर्ड कर रहे हैं। ये बहुत ही गंदा एटीट्यूड था। दूसरी चीज़ मैंने पॉइंट आउट करी कि मार्किनियोस एज द कैप्टन ऑफ द टीम और मॉरिशियो पोचेटिनो एज द मैनेजर ऑफ द टीम, दे वर टोटली हेल्पलेस। मेरे को ही लगता कि मार्किनियोस की कोई सुन रहा था, हर प्लेयर अपनी मर्जी से कर रहा था। अगर कंपेरेटिवली की बात करें तो यहाँ पर जिनचेंको ने भी अपना जो काम था वो खो दिया था, और वो भी रेफरी से एक टाइम पे भिड़ गए थे और उनको भी येलो कार्ड दिया था, फर्नांडिनो ने उनको समझाया था। और यही वो पॉइंट था जब मैंने आपको कहा था कि पेप गार्दियोला को इस वक्त टीम में एक लीडर की ज़रूरत है, इसलिए रोड्री बाहर है और फर्नांडिनो अंदर है। बट अदर देन दैट, मेरे हिसाब से मॉरिशियो पोचेटिनो को कहीं ना कहीं जो टीम की डिसिप्लिन है उस पर काम करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इसी के साथ जो 90th मिनट की जो फिसल थी वो बच जाती है। और अगर 2 लेग के एग्रीगेट की बात करें तो मैनचेस्टर सिटी ने सेमीफाइनल में पीएसजी को 4-1 की स्कोर लाइन से बीट कर दिया है। थ्रू आउट द 180 मिनट्स मैनचेस्टर सिटी वो टोटली क्लासी, टोटली डिसिप्लिन। कहीं ना कहीं कुछ सेक्शन ऐसा था इन 180 मिनट में जहाँ पे पीएसजी लग रही थी कि हाँ वो एक्चुअली पीएसजी है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट वॉज मैनचेस्टर सिटी ऑल ओवर द फील्ड। अगर इस 90 मिनट पर्टिकुलरली इस 90 मिनट की बात करें तो मैं कहूँगा कि एक तो पीएसजी का कॉन्फिडेंस ऑलरेडी बहुत लो था क्योंकि एम्बाप्पे नहीं थे, और कहीं ना कहीं उनके डिसिप्लिन। और जो मैनचेस्टर सिटी, कभी कभार ऐसा होता है कि जरूरी नहीं कि आप गलत हो और सामने वाला तभी सही हो। इट वॉज नॉट कि पीएसजी का कोई फॉल्ट है, बट मैनचेस्टर सिटी वॉज टू गुड, वर टू गुड टू हैंडल, इसलिए मैनचेस्टर सिटी ने वो 2 गोल स्कोर किए हैं। टोटली डिसिप्लिन, और कहीं ना कहीं पेप गार्दियोला पूरी तरह से इसको डिजर्व करते हैं।